से नकवी ने फिर से एक डिमांड कर दी है जय शाह से, वो क्या डिमांड है? यकीन करो ये इतना आपस में मुलाकात कर रही है, इनकी दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती वगैरह नहीं हो जाएगी। बाद में खबर आ रही है भाई बीसीसीआई पीसीबी एक ही है अब, ठीक है ना, इतनी मुलाकातें कर रहे हैं यार। और आप देखोगे भाई अभी मीटिंग हुई है, ठीक है, पीसीबी की, उसमें जय शाह भी थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी थे, जिसमें आईसीसी के ऑफिशियल्स भी थे, ठीक है ना। आईसीसी ने मुझे लग रहा है बीसीसीआई और जय शाह को ना एक कमरे में मतलब बिठा लिया, एक कमरे में ना उसमें पीसीबी। अच्छा अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि भाई पीसीबी ये स्टेटमेंट दे रही है कि भाई अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान में नहीं आ रही तो ठीक है नहीं आए, लेकिन फिर उनकी डिमांड ये है बीसीसीआई से पीसीबी की कि भाई फिर पाकिस्तान और इंडिया की एक टी20 सीरीज होनी चाहिए पूरी, जो कि काफी टाइम से, अगर आप लोग को भी पता हो तो, जो 2013 में हुई थी लास्ट, जब वो पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया था, ठीक है, उसके बाद से अभी तक कोई 10-12 साल बाद तकरीबन इतना अरसा हो गया, 11 साल हो गए तकरीबन, कोई भी सीरीज देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। अब ये डिमांड जो पीसीबी ने करी है, देखो डिमांड तो ऐसा लग रहा है लड़का लड़की की शादी है, जैस मांगते हैं। देखो बात, देखो बिल्कुल सही है, देखो अब है ना बात सीरीज है बीसीसीआई के अंदर, जैसे अभी बात यही है ना कि भाई वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, अच्छी बात है सिर्फ आईसीसी इवेंट में मिले, ये वो उनका, वो उनकी मतलब सोच है, ठीक है। यहाँ पे पीसीबी ने बहुत सेफ साइड गेम खेला है, उन्होंने बोला ठीक है तुम लोग नहीं आ रहे कोई मसला नहीं है, आफ्टर द चैंपियन ट्रॉफी 2025 वो कहीं भी हो चैंपियन ट्रॉफी, अच्छा। उसके बाद फिर आप लोग एक सीरीज खेलोगे हमारे साथ, मतलब पाकिस्तान इंडिया की, वेन्यू भी जो कि म्यूचुअल वेन्यू पे होगी। एक्सपेक्टेड ये है कि या तो इंग्लैंड लॉर्ड्स होस्ट करेगा या फिर वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि भाई इसी साल के एंड में दिसंबर के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया ट्रियो सीरीज भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब इस साल आप समझ लो पाकिस्तान इंडिया का एक तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की टी20 सीरीज, अगर ये डिमांड एक्सेप्ट होती है वहां से, तुम्हें क्या लगता है ये एक्सेप्ट होगी? मैं आपको अभी पेपर पेन ले लो, साइन कर रहा हूं, अगर ये डिमांड है, क्योंकि देखो अभी बीसीसीआई बस किसी तरह से चाह रहा है कि वो सेफ साइड निकल जाए और वो सेफ साइड चैंपियन ट्रॉफी खेल ले अपनी जगह पे, ठीक है। तो अभी तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे, आईसीसी अगर उनको कुछ बोलेगा, पीसीबी बोलेगा हाँ में हाँ। अब हाँ ये जरूर है कि भाई बाद में चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि देखो उसमें आईसीसी सीरीजों में इतना ध्यान देता नहीं है, वो अपने इवेंट्स को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो बाद में फिर आईसीसी भी बीच में नहीं बोल सकेगा, वो बोलेगा भाई ये आप लोगों के दो बंदों के दरमियान में फैसला था, हम तो थे ही नहीं बीच में, ठीक है ना। तो अभी जहां तक मुझे लगता है, तो अगर पीसीबी डिमांड तो वैसे अच्छी है, अच्छा हम लोगों को देखने मिलेंगे। देखो मैं इंडिया पाकिस्तान के लिए हमें आईसीसी का इवेंट का वेट करना पड़ता है। मैं एज अ पाकिस्तानी एक बात करना चाहूंगा, ठीक है, जहां से मोहसिन नकवी साहब सोचना बंद करते हैं ना, वहां से जय शाह साहब सोचना शुरू करते हैं, ये आप मैं बता रहा हूँ। उनकी जो ऐसी नहीं यार, वो इनका इतना नाम है, हालांकि देखो वो अभी अगर उनकी पोस्ट देखी जाए तो वो चेयरमैन नहीं है बीसीसीआई के, वो सिर्फ बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, ठीक है ना। लेकिन हमेशा फेस वो क्यों रहते हैं, हमेशा हर डिसीजन के पीछे उनका नाम क्यों लिया जाता है? और भाई डिसीजन अच्छे होते हैं इंडिया के लिए, खासकर अच्छे होते हैं, हमारे लिए अच्छे होना। अब जाहिर सी बात है, अब हमारी हटती इस वजह से कि यार वो हमारे से, ये भाई देखो सेंसिबल पर्सन है, ठीक है, सेंसिबल दिमाग वाला बंदा है, एक बिजनेस माइंड है उस बंदे का, ठीक है। तो आज मावे क्रिकेट बोर्ड में सबसे फर्स्ट में ये, और जब भी भाई उस बंदे को अभी आईसीसी ने कंसीडर किया। एक बात बता दूं, अभी तक की जितने भी हमारे चेयरमैन गुजरे ना, मोहसिन नकवी हट गए, मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा हट गए, वरना हर चेयरमैन आके बोलता था कि हां भाई छोड़ दो, ठीक है, आप जका शरफ को देख लो, हाँ। वो उसने होने दिया ईशा कप, वहाँ पे खैर हो गई, ठीक है। लेकिन अभी मोहसिन नकवी साहब थोड़ा बार बार बिचारा यार, जो बात है बिचारा श्रीलंका में, आज शाम में इससे बात कर रहा था कि यार बार बार श्रीलंका जा रहा है मीटिंग अटेंड करना, मतलब कौन चेयरमैन को इतनी फिक्र होती है भाई। अच्छी बात है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को ग्रूम करना चाह रहा है, ठीक है, इंडिया की तो ऑलरेडी ग्रूम है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को ग्रूम करना चाह रहा है, मेरे कहने का मकसद ये। और भाई ऐसा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए। और अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बता दूं कि भाई फरवरी में क्या होने वाला है, ठीक है, चैंपियन में छोड़ो, पहले ये बताओ चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ कि भाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगी भाई हाइब्रिड वेन्यू पे, हाइब्रिड वेन्यू या तो आपका होगा दुबई या फिर आपका होगा श्रीलंका, ज्यादा चांसेस हैं आपके श्रीलंका, ठीक है ना। उसके बाद पूरी चैंपियन ट्रॉफी जब हो जाएगी, अच्छा इंडिया अपने मैचेस वहीं खेलेगा, ठीक है ना। और एक और चीज आप अभी मेरी सुन ले सर, आपको चैंपियन ट्रॉफी का एक मैच भी पाकिस्तान में देखने को नहीं मिल रहा पूरी, क्योंकि देखो जब पीसीबी ये शर्त रखेगा ना कि भाई हमें पाकिस्तान इंडिया की टी20 सीरीज चाहिए, तो फिर बीसीसीआई भी ये बोलेगा ठीक है पूरी मूवी करवाओ ताकि आईसीसी को भी परेशानी ना हो। पीसीबी बोलेगा वी वांट टी20 सीरीज बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो आगे से बीसीसीआई बोलेगा कि भाई ओके वी वांट चैंपियन ट्रॉफी, फुल चैंपियन ट्रॉफी इन हाइब्रिड वेन्यू, ठीक है ना, कि बोलेंगे ठीक है अगर आप ये हम आप डील कर रहे हैं सारे मसलों में आईसीसी कहां बैठा है, आईसीसी का तो उसको शरबत दिला के उसको दूसरे कमरे में बिठा दिया है, बोलो आपका कोई काम नहीं है, हम आपको बता देंगे हमारे धनिया
इंडियन क्या फैसला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा अब ये होगा कि भाई बीसीसीआई बोलेगा ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं आपकी ऑफर, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पूरी कहां होगी, हाइब्रिड वेन्यू पे, एक मैच भी पाकिस्तान में, ताकि किसी भी टीम को परेशानी ना हो, क्योंकि बीच बीच में वो काबुली पुलाव खाने वाले अफगानिस्तान भी आ रहे हैं, वो भी अपनी टांग रहा है बीच बीच में, हाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, ने पता नहीं क्या खा लिया उनको, हालांकि उन्होंने बीच में टांग रही है, उन्होंने उनका कुछ लेना देना बनता नहीं था अभी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो खैर भाई अगर एज अ क्रिकेट फैन देखे जाए तो भाई पाकिस्तान की सीरीज का बड़ा वेट है, भाई हम भी फिर बर्दाश्त कर लेंगे, चैंपियन ट्रॉफी अगर हमारे हाथ से जाती है ना तो हम भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि भाई फिर हमें पता होगा कि आफ्टर द चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया की टी20 देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट तीन तो होंगे ही होंगे यार, ठीक है ना। तो फिर मजा आएगा और ये डिमांड बस एक्सेप्ट हो जाए बीसीसीआई से।